सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। दिनांक 16 दिसंबर 2020 से आपका मॉड्यूल नंबर 13, मॉड्यूल नंबर 14 और मॉड्यूल नंबर 15 दीक्षा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा और आपको इनका प्रशिक्षण 31 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करना है। प्रशिक्षण को स्टार्ट होने से पहले एक बार मॉड्यूल नंबर 13, 14 और 15 की मुख्य प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं, जिससे कि आपको प्रशिक्षण करने में कोई दिक्कत ना हो। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 13 हमारा है, स्कूल नेतृत्व अवधारणा और अनुप्रयोग। इसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन कैसे करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं, खेल के मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग, रसोई घर। तो विद्यालय के स्टाफ के साथ अगर दल अधिगम की प्रक्रिया समेशन करना है तो हमें स्टाफ मीटिंग में करना होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो विद्यालय नेतृत्व का प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। विद्यालय का विजन निर्मित करने के लिए, बिल्कुल सही है। विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, ये भी सही है। विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, ये भी सही है। केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, ये इसका आंसर गलत है, यानी कि विद्यालय विकास योजना इसके लिए उपयोगी नहीं है, केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, तो इसका आंसर यही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगमकर्ता होता है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता सही होगा, क्योंकि ये आपका सक्रिय अधिगम नहीं है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है। अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना और दल अधिगम। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन दल अधिगम सही होगा, दल अधिगम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो साथियों, अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव में ये आपके सक्रिय अधिगम भी आएगा, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान भी आएगा, अकादमिक पर्यवेक्षण भी आएगा, लेकिन प्रशासनिक नियमों और विनियमों की समझ आपकी नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता और विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो इसमें आपका शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में आपके विषय वस्तु ज्ञान भी सहायक होगी, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ भी सहायक होगी, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं और विविधता भी सहायक होंगी, लेकिन विद्यालय के भौतिक संसाधन इसमें सहायक नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका, स्वयं को विद्यालय या अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु तीन मुख्य अवयव क्या हैं, यानी तीन मुख्य अवयव क्या क्या होने चाहिए। नंबर एक, ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, ये तो नहीं हो सकता। ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, ये आपका सही है। सकारात्मक सोच, अनमेय होना और संप्रेषण, ये भी नहीं है।
अभिवृत्ति, कौशल एवं संप्रेषण। तो अगर विद्यालय अध्यापक नेतृत्व के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो तीन मुख्य अवयव आपके ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति ये आपके होंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडर बाय पोजीशन, लीडर बाय एक्शन, लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। तो विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वो लीडर बाय पोजीशन भी हो और इसके साथ साथ लीडर बाय एक्शन भी हो। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, फोर्थ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं में कौन से दो महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजक एवं योजनाकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया। तो प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए दो जो मुख्य गुण होंगे वे, एक तो पहलकर्ता होगा, यानी सबसे पहली पहल जो है आपको नेतृत्व को ही करनी होगी, और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये दो दृष्टिकोण जरूरी हैं, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 10 हो गए, क्वेश्चन आंसर्ड आपके 10 हो गए, क्वेश्चन स्किप्ड आपके 0 हो गए। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर 10 out of 10 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है विद्यालय शिक्षा में, विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। इसकी भी मुख्य प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे आप प्रश्नोत्तरी को शुरू करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने होगा, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 8 तक और पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो साथियों, समग्र शिक्षा आपकी पूर्व विद्यालय से 12वीं तक होती है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS मिड डे मील स्कीम का दृष्टिकोण नहीं है? अतिथि भोजन, तिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान, खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो अतिथि भोजन का जो दृष्टिकोण नहीं है वो आपका, अतिथि भोजन इसका दृष्टिकोण नहीं है, तो अतिथि भोजन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, गलत है। शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, ये भी गलत है। सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, ये हमारा सही है। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए, देखिए दो बाद के ऑप्शन सेम है, बच्चों के ज्ञान का, लेकिन सीखने के परिणामों का आकलन, यानी सीखने के परिणामों का आकलन, लर्निंग आउटकम का आकलन करने के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि NAS की आवश्यकता होती है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान SSA, नंबर 2 राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, नंबर 3 मिड डे मील MDM। दूसरा ऑप्शन है आपका सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान रूसा और शिक्षक शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है आपका सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RSSA और शिक्षक शिक्षा, ये आपका सही लग रहा है मुझे। और फोर्थ ऑप्शन है आपका सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान रूसा और मध्यान्ह भोजन MDM। तो समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 योजनाएं हैं। इसमें एक तो आपकी सर्व शिक्षा अभियान होता है, एक राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान होता है और एक शिक्षक शिक्षा होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल UDIS, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, शाला दर्पण और दीक्षा ऐप। तो डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है वो हमारा UDIS है, यानी कि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इस पे आप
क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कक्षा 3 से 9 तक, कक्षा 1 से 9 तक, 10वीं कक्षा से कक्षा तक, और कक्षा 3, 5 और 8। तो ये आपका कक्षा 3 से लेकर 9 तक आपका होता है प्रारंभ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS जो होता है आपका कक्षा 3 से 9वीं तक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक, नंबर 1 पूर्व विद्यालय शिक्षा, उसके बाद एरो का निशान है, इससे आप इसको बड़ा करेंगे तो इसमें क्या क्या है, पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया, खिले इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें समग्र शिक्षा के मुख्य घटक हमारा एक तो पूर्व विद्यालय शिक्षा हो जाएगा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसमें आता है, बड़े भारत भी इसमें आता है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी इसमें आता है, खेलो इंडिया, खिले इंडिया ये भी इसमें आता है। यानी कि शुरू के आपके 5 ये इसमें ही आते हैं। तो आपके ऑप्शन होंगे, आपका ऑप्शन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये आपका सही होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर में 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल, यानी स्कूल शिक्षा संबंधित सभी जानकारी को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पोर्टल हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दीक्षा पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल और सगुन पोर्टल। तो जो आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा पोर्टल शुरू किया गया है वो आपका सगुन पोर्टल है, सगुन पोर्टल पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है, राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग और राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन संस्था हमारी राज्य कार्यान्वयन समिति होगी, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है, सर्व शिक्षा अभियान 2000, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो समावेशी शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर आपका सर्व शिक्षा अभियान 2000 है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन आंसर्ड आपके 10 हो गए, क्वेश्चन स्किप्ड आपके 0 हो गए। आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर 10 out of 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये मॉड्यूल नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 15 की। मॉड्यूल नंबर 15 हमारा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। जैसे हम शुरू करेंगे प्रश्नोत्तरी हमारे सामने होगी, उसमें सबसे पहला प्रश्न है, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या हैं। नंबर 1 ऑप्शन है खेल कहानी कहना और पढ़ना, नंबर 2 है खेल अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, नंबर 3 है खेल अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, और 4th ऑप्शन है खेल परस्पर संवाद और परिवेश। तो इसका आंसर आपका 4th सही होगा, खेल परस्पर संवाद और परिवेश। नेक्स्ट है आपका फिलिंदा ब्लैंक्स है, कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। ऑप्शन दिए हुए हैं देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, लर्निंग सेंटर और अध्ययन केंद्र। तो ये आपके लर्निंग सेंटर कक्षा के भीतर के क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है, छोटे बच्चों के लिए पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ऊपर के सभी, रेटिंग स्केल। तो छोटे बच्चों के लिए सभी की जरूरत पड़ती है, पोर्टफोलियो की भी जरूरत पड़ेगी, चेकलिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी और रेटिंग स्केल की भी जरूरत
पड़ेगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा घटक या तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? नंबर एक कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्रामेटिक, नंबर दो प्रबंध या मैनेजमेंट, नंबर तीन स्थानीय या लोकेशनल, और उपरोक्त सभी। तो ये हमारे उपरोक्त सभी होंगे तीनों ही। इसके लिए एक गतिविधि भी दी हुई है आपकी, गतिविधि नंबर सिक्स, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 3 से 4 साल, 2 से 3 साल, 3 से 6 साल, 4 से 5 साल। तो जो पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चे आते हैं वे हमारे प्राथमिक से पहले आते हैं, प्राथमिक की उम्र 6 होती है, तो इसलिए इनकी उम्र 3 से 6 होगी। तो 3 से 6 इसका आंसर सही होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। नंबर वन आकार और स्थान की समझ, नंबर टू उछलना कूदना, नंबर थ्री खेलना, नंबर चार कथा वाचन। यानी संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग। तो मैथमेटिकल थिंकिंग में आपका आकार और स्थान की समझ ये आ जाएगा, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका फिलिंदा बैंक्स मान्यता है कि शब्द भाषा शब्द शब्दांश तुकांत और ध्वनियों से बनी है। तो मौखिक भाषा का विकास, प्रिंट जागरूकता, इनमें से कोई नहीं, ध्वनि जागरूकता। तो ध्वनि जागरूकता जो होती है वो आपकी भाषा शब्द शब्दांश तुकांश और ध्वनियों से बनी होती है, तो ध्वनि जागरूकता इसका आंसर सही होगा, ध्वनि जागरूकता पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, केवल खिलौने, खिलौने तो चाहिए बच्चों को, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री एक्टिविटी वर्कशीट। तो पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए हम प्रोत्साहित जो करते हैं, तो विकास हेतु एक तो खेल हम उन्हें देते हैं और आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियों का और सामग्री हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए पूर्व प्राथमिक और ग्रेड वन शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड वन और दो के शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में आपके पूर्व प्राथमिक और ग्रेड वन और टू के शिक्षक शामिल होते हैं, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है, उपरोक्त सभी, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान और संभावित क्षमताएं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करेंगी हमारी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं भी मदद करेंगी, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान भी मदद करेगी, संभावित क्षमताएं भी होंगी, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपने क्वेश्चन आंसर 10 किए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर 10 out of 10 हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से ये हमारे तीनों मॉड्यूल 16 दिसंबर 2020 को दीक्षा पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे और आपको इनका प्रशिक्षण 31 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करना है। तो आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो लगभग आपको सभी प्रश्न रट जाएंगे, क्योंकि आपको बाद में जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें जरूरी है सभी प्रश्नोत्तरी को हम ध्यान से करें। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।